और मैंने ले लिया है अविष्का के लिए नारियल पानी, क्योंकि आज मैंने जूस नहीं बनाया था अविष्का को, था कि वैसे अविष्का कभी नारियल पानी जल्दी नहीं पीती है, पर फिर भी मैंने आज कहा कि चलो अविष्का आज नारियल पानी पी कर देखो, इसको अच्छा लगेगा, तो मैं इसको मोस्टली ले दिया करूँगी, मतलब कभी जूस और कभी नारियल पानी, क्योंकि गर्मियों के लिए होता है बहुत फ़ायदेमंद और काफ़ी हैवी है, क्योंकि अभी इसमें नारियल पानी काफ़ी भरा हुआ है। तो मैं चलती हूँ अविष्का के पास, पीती है वो नारियल पानी। यहाँ अविष्का खा रही है वैसे ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, और लो अविष्का नारियल पानी पी लो। और अविष्का देखते हैं नारियल पानी इनको पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक दो बार पिलाया तो इनको पसंद नहीं आया, पर फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ उन चीज़ों को। पी के देखो बेटा, आपको अच्छा लगेगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत। तो अविष्का जो है वो मतलब मैंने इसको भी पहले भी पिलाया है, पर अविष्का को पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसको मलाई वलाई पसंद नहीं आती, और रियल बताऊँ मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आता। जब नारियल आता है तो मैं पी तो लेती हूँ वो हेल्थ को देखते हुए, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पर अविष्का ये पकौड़े ब्रेड पकौड़े साथ साथ, और ये हो गया नारियल पानी, तो फायदेमंद क्यों लग रहा है, कैसा लग रहा है अविष्का? अच्छा नहीं है पर हेल्दी है बेटा। कभी कभी ना मेडिसिन हम खाते हैं ना, अच्छी नहीं होती पर खाते हैं ना, तो समझ लो ऐसे ही खा लो, मतलब ऐसे ही पी लो तुम, क्योंकि तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इनको पीने दीजिए, मेरे भी ब्रेड पकौड़े थोड़े से बचे हुए हैं, क्योंकि अभी के पापा अभी दूध लेने गए हैं, और लेके आएंगे तो तुरंत तुरंत मांगेंगे कि कुछ नाश्ता वास्ता चाहिए, क्योंकि हमारा तो हो जा रहा है, पर वो आएंगे तो चाय वाय बना लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरी मम्मी है जो एवरी टाइम डाइटिंग डाइटिंग करती है, और आज खा रही है मलाई के साथ, चीनी के साथ ब्रेड। ये ना कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाते हैं बेटा, ये तो मैं थोड़ा सा डाइटिंग में कभी कभी कंट्रोल कर लेती हूँ, और आपको बता दूँ मैं जो पहले शुरू से आदत है ब्रेड में मलाई और चीनी लगा के खाने की, अविष्का ने आज दिखा दिया, और मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता इसको लेकर के। मैं बचपन से ही खाया करती थी हमेशा, अब तुम्हें दिखाई दिया अब तो मैं खा ही लूंगी इसको। और ये देखिए, मैंने आज जो है मेरे घर में रियल में साक्षात जो है दुर्गा माता, क्योंकि लड़कियां होती हैं रियल में भगवान देवी का रूप, एक देवी का रूप होती है, तो मैंने अपनी बेटी को नवरात्र में, जैसे दुर्गा जी माता सजती हैं ना, मुझे बड़ा इंतज़ार है कि मैं माता जी को सजाऊं, और नवरात्रे का भी इंतज़ार है, और मेरी तैयारी थोड़ी सी शुरू हो गई है, और बस यहाँ मैंने सजा दिया है अपनी बेटी को। देखिए पूरा दुर्गा जी का रूप लिया है इसने, और मैं एक दो शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने नवरात्रे पर बस माता जी को थोड़ा समर्पित किया है, तो आप मेरे शॉर्ट्स भी देखिएगा। और यहाँ पर हमारी माता जी स्माइल कर रही हैं, मतलब मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी बेटी जिसको मैं लिया है, तो आज मैंने इसको सजाया, तो बताइएगा कैसी लग रही है मेरी बेटी, है ना? तो बस, और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, भगवान ने करे इसको नज़र लगी। हेलो एवरीबॉडी, और बस आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी हूँ बहुत अच्छी, और बस नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो मैंने बस आज तो अविष्का को तैयार किया था, और मैंने भी साथ में बताया गोल्ड की जूली पहन रखी है, पहले मैंने कान का छोटे छोटे डाल रखे थे, फिर मैंने ये वाले डाल लिए, और ये मैंने मंगलसूत्र, चेन, नाक की नथ, और कहते ना ये देखिए अंगूठियाँ, सब कुछ डाल रखी हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब नवरात्र आता है ना, तो लगता है कि जो इंडियन जो आपका लुक होता है ना, इंडियन हाउसवाइफ का जो लुक होता है, ये कह सकते हैं जो भारतीय संस्कृति में हमारे होता है ना, कि हम ये चीज़ें पहनते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, मुझे तो बहुत पसंद है, और कहते हैं ना भगवान ने जब दिया है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं दिया है वो इसका महत्व भी जानता है ना। और साथ में मैंने आपको बताया आज मैंने पहनी है ये पिंक साड़ी, ये पिंक साड़ी मैंने पहनी है किसी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, उन्होंने शायद मेरी वो जो एन मोमेंट ब्यूटी का जो 27 साड़ीज़ का जो चैलेंज है ना, उसमें उन्होंने देखा होगा, तो शायद उनको ये पिंक साड़ी लगा कि मुझे पे बहुत अच्छी लगती है, तो और आपको बताओ ये मेरी पसंद की भी साड़ी है, क्योंकि बहुत हल्की है और मुझे गर्मी में पहनने में बड़ा आराम रहता है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये साड़ी पहन ली, और सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पूरी करना हमारा काम है, तो मैंने उस लिए साड़ी पहन ली, वो 27 साड़ी चैलेंज में है जो एन मॉर्मन ब्यूटी में मैंने ये वाली पहनी थी, शायद उसी में देखा होगा उनके, उसके बाद मैंने ये साड़ी कभी नहीं पहनी। और साथ ही साथ जो है बस मेरा जो है वो सुबह का तो आप देख लेते क्या क्या रूटीन मैं करती हूँ, और हर हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है, तो बस
इसी तरह लाइफ चलती रहे स्माइल करते हुए, बस हमारी यही कामना। और आप लोग की स्माइल भी देखते रहे, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और देते रहिए। और जो लोग कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाइक करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके प्यार और सहयोग के साथ मेरा ये चैनल जो है वो चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि और भी बुलंदियाँ छुएगा अगर आपका प्यार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब करती हूँ मैं अपना काम और कंटिन्यू। अविष्का जो है वो, अविष्का ने आज मेरे से कहा, मम्मा मुझे पार्टी करनी है, पार्टी करनी है तो पार्टी कैसी हो? तो मैंने कहा चलो भाई पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा डांस वांस कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। और उसी के लिए मैंने यहाँ पर लगा रखी है लाइट्स। तो ये देख रहे हैं ना, मेरा काम बढ़ा दिया अविष्का ने, पूरा बॉक्स खोला है, बॉक्स पे से लाइट निकाली है, और लाइट निकालने के बाद ये देखिए पूरा, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। तो बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ होती है, मैं सोचती हूँ शायद मेरी माँ ने भी इतनी बार जिद मेरी पूरी की है, और ये बात सच भी है, मेरी माँ भी मेरी जिद पूरी करती थी। हम तीन दिन बेटियाँ थे तब भी मेरी हमारी जिद पूरी किया करती थी, मतलब हर बच्चों की जो भी जरूरत होती थी मेरी तो होती थी खाने पीने की, हमेशा बेसन की सब्जी का, क्योंकि मेरी माँ ना बेसन वेसन की सब्जी बहुत अच्छी बनाती थी। तो बस मैंने कहा जब मेरी माँ पूरी कर सकती है, चार बच्चों की जिद पूरी कर सकती है, चार बच्चे थे तो मैं अपने एक बच्चे की जिद क्यों नहीं पूरी कर सकती। तो मैंने लगा दी है चारों तरफ लाइट और चमका दिया है, चम चम चम, और बस चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा डांस वांस, क्योंकि पार्टी तो बनती है ना। और मैंने कुछ उसके लिए मंगाया भी है खाने वाने के लिए, तो वो भी वो खाएगी, क्योंकि थोड़ा नमकीन है, थोड़ा सा बिस्किट है, थोड़ा सा कुरकरे है, वो सब भी मंगा दिया है, क्योंकि उसको लगे थोड़ा पार्टी टाइप का है, क्योंकि बच्चा है ना मेरा। सुनो सुनो सा, मम्मी अगेन खा रही है मीठा। फिर अविष्का मेरे कैमरा लेके मेरे पीछे पड़ गई, आज ऑन कैमरा अविष्का जो है मुझे रियल में लग रहा है कि मेरे सारा पोल खोल देने वाली है। तो मैं बताऊँ, थोड़ा सा पानी पीना था मुझे, इसलिए मैं ये थोड़ा लेके आई। मैं तो सोचती अविष्का खाएगी, मैं जैसे बता दूँ रियल में मुझे बहुत मीठा पसंद है, मैं बहुत ज्यादा मिठाइयाँ हूँ, और ये हुआ अभी नहीं हुआ है, अविष्का के आने के बाद मुझे इतना ज्यादा मीठा पसंद हो गया है। पर मेरी ऑन कैमरा इतनी पोल मत खोलो, मैं नहीं चाहूंगी ये सब चीजें। मैं और मेरी बेटी खा रहे खाना, और अविष्का को मैंने आपको पता है कुछ घूस दे रखे, क्योंकि अविष्का ने आज इतनी बड़ी मेरी पोल खोली। तो देखिए मैंने आज अविष्का को घूस दी है रसगुल्लों की। अविष्का भी खाती है रसगुल्ले, और देखिए मैं भी खाती हूँ रसगुल्ले, मुझे भी बहुत रसगुल्ले पसंद है। तो पर दो रसगुल्ले नहीं खाऊंगी, देखती हूँ, दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि दिल ऐसा है ना मेरा मानता नहीं, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या, ब्लड में शुगर की कमी हो गई इसलिए मैं शुगर ज्यादा खाती हूँ।
तो ये हो रहा हमारा डिनर। इनके पापा जो है वो अभी बहुत बिजी हैं, इसलिए वो अभी नहीं आ पा रहे, तो वो खा लेंगे। उनका तो लेट लपेट चलता रहता है, हम लोगों को तो होता है कि 10 बजे तक खाना खा लेना है, तो खा लेते हैं। और खाने के बाद मतलब मैं तो जगी रहती हूँ, सो जाती हैं, मैं इनको फिर खाना ना देंगे तो फिर वो खाएंगे, हमारा तो लंच कर लेते हैं। तो बस हो गया है हमारे सोने का टाइम, और इसमें बज रहे हैं 10:40, और हम 11 बजे तक जो है लगभग सोने की तैयारी कर लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 11 बजे तक सारा काम, मतलब कि अविष्का को कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाए, वैसे बच्चे 9 बजे तक सो जाते हैं, पर वो 9 बजे वाला जमाना नहीं रह गया। और बस सोने की तैयारी हो रही है, और वीडियो एंड करने से पहले आपसे लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो है लाइक करना लोग भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ की एक चीज़ और ध्यान मतलब जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पर वीडियो देखते हैं, या फिर जो पहली बार आए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी कमिंग वीडियो है वो आपको दिखें, और नोटिफिकेशन बेल आती है बेल टाइप की, उसको भी प्रेस कर दें, उससे आपको जो भी नई वीडियो होगी ना आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीलॉग एंड मेरी स्माइल, अविष्का की स्माइल और आपकी स्माइल के साथ लेते हैं विदा। गुड नाइट, take care and bye 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 good night।